सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं नए नए लैपटॉप, जो काम पहले डेस्कटॉप के ऊपर हुआ करता था, मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला एडिटिंग वाला जैसा काम, वो आजकल जो है वो लैपटॉप्स के अंदर होने लगे हैं और बड़े ही मतलब लाइट वेट से लैपटॉप होते हैं, काफ़ी हद तक काम इनके अंदर हो जाता है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक पुराना लैपटॉप, कुछ ऐसा जो है देखने में भारी भरकम सा जो होता था, मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं अभी भी, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि स्पीड की आपको उसके अंदर दिक्कत आ रही हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस हो जाएगी काफ़ी स्मूथ और सॉफ्टवेयर रन करेंगे बिल्कुल आराम से। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई ब्रांडेड लैपटॉप लेते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर एक ही आपका पार्टीशन बना हुआ आता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपकी 500 GB की हार्ड ड्राइव है तो उसके अंदर 500 GB का एक पार्टीशन बन के आ जाएगा जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर भी होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा और डेटा भी आपका उसी के अंदर सेव होगा। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप उस पार्टीशन को 2 या 3 कम से कम हिस्सों में बांट लीजिएगा। मान लीजिए 500 GB की हार्ड ड्राइव है तो 100 GB आप सी ड्राइव को दे दीजिए और 200 GB आप डी ड्राइव को दे दीजिए, 200 GB आप ई ड्राइव को दे दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है वो सी ड्राइव के अंदर रहेंगे। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको स्पेस काफ़ी मिलेगा सी ड्राइव के अंदर, तो आपका काफ़ी स्मूथली रन करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर भी काफ़ी जल्दी खुलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका डाटा जो है वो लॉस होने से बच जाएगा। नॉर्मली जब आपकी विंडो जो है वो क्रैश होती है तो सी ड्राइव के अंदर अगर आपका सारा डाटा है आप दोबारा से फॉर्मेट करते हैं तो वो डाटा भी उसके साथ चला जाता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो डाटा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप बार बार ही डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप बार बार ही डाल सकते हैं, लेकिन डाटा बार बार ही वैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपकी फाइल्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सी डी और ई, ये 3 मैं पार्टीशन बनाता हूँ हमेशा। ई के अंदर हमेशा मैं डंप रखता हूँ और डी के अंदर मैं काम करता हूँ और सी के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर रखता हूँ। इससे एक तरह से काफ़ी परफॉर्मेंस जो है मेरी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं तो वो है टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना। जब भी दोस्तों हम अपने लैपटॉप के अंदर काम करते हैं तो काफ़ी सारी टेम्परेरी फाइल्स जो है वो बन जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो वो टेम्परेरी फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाती हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में आप सी ड्राइव के अंदर जाके एक टेम्प करके फोल्डर होता है TEMP, उसके अंदर आप जाएंगे तो टेम्परेरी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्मूथ हो सकती है और सी ड्राइव के अंदर भी स्पेस खाली रहेगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट मिलेगी। दोस्तों इससे अगली अगर हम बात करें तो अगर सी ड्राइव के अलावा आप बाकी ड्राइव्स को भी क्लीन रखेंगे तो डेफिनेटली इससे भी आपकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्मूथ होगी। बहुत ही आसान है, आप कंट्रोल आर दबाइए या रन में भी जा सकते हैं। तो cleanmanager.exe आप लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपकी जो ओल्ड ड्राइव्स हैं वो भी आपकी क्लीन हो जाएगी, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनके अंदर से वो भी डिलीट हो जाएंगी। दोस्तों इससे अगली अगर हम बात करें तो कई स्टार्टअप ऐप्स होती हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने काफ़ी सारे जो ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, या फिर आप बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो जब सिस्टम बूट होता है तो बूट होने के साथ ही वो भी इनेबल हो जाती है, लेकिन जब विंडोज जब बूट हो रही होती है तो साथ में उन सॉफ्टवेयर को भी वो बार बार से इनेबल करती है, जिससे आपका विंडो का जो बूटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि विंडो बूट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब विंडो के स्टार्टअप पे अपने आप को पूरी तरीके से बूट कर लेते हैं, जबकि वो जरूरी भी नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप डबल क्लिक करके उसको आप मतलब इनेबल करते हैं, उसको आप यूज कर लेते हैं, लेकिन मतलब अननेसेसरी ऐसे जो स्टार्टअप में चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं अगर आप उन्हें डिसेबल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, अपने आप पीसी के जो लैपटॉप है उसमें आप जाइए, रन में जाइए, msconfig लिखिए। msconfig में जाने के बाद आपको बड़ी आसानी से जो स्टार्टअप के अंदर जो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर आप उनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही एक टूल है FitIt, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे रन कर दीजिएगा, इंस्टेंटली अपने आप विंडोज को ये देखता है और मतलब कि पूरा एक थ्रू आउट उसका चेकअप करता है और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसी फाइल है जो मतलब डैमेज हो गई है उसको ठीक करता है। तो FitIt को आप यूज कर सकते हैं, ये काफी हद तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथ करने में आपकी हेल्प करता है, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगर अगली हम बात करते हैं तो अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं जो भी आपके ब्राउजर के अंदर कैशे या कुकीज हो उसको आप जाके डिलीट कर दीजिएगा। सेटिंग के अंदर जाके आप बड़े आराम से इसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते हैं सेम ऐसे ही आप कुकीज़ को भी इसके अंदर से डिलीट कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे भी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ होगी और सिस्टम की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अगर अगले टिप्स की बात करते हैं दोस्तों तो आप अपने OS को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको आप रेगुलर अपडेट रखिएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम 2 वजह से इससे बचते हैं, या तो हम पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं तो हम इस चीज़ से बचते हैं क्योंकि अगर हम अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट वालों को मालूम पड़
पड़ जाएगा और वो फिर एरर देंगे और उसके बाद जो है विंडोज चलानी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज़ हम इसलिए नहीं करते हैं कि जो अनवांटेड मतलब कि ऐसे अपडेट्स वो लेता रहता है, डाउनलोड करता रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि विंडोज़ और हैवी होती जा रही है दिन ब दिन। नॉर्मली ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी अपडेट्स आती हैं वो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं या फिर विंडोज़ के अंदर नेसेसरी अपडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। तो अगर आप, वैसे मेरी तरफ से बिल्कुल आपको यही सजेशन रहेगा कि आप जेन्युइन विंडो का यूज़ कीजिए और उसे रेगुलर अपडेट करिए, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा अच्छी रहे और आपका सिस्टम भी सेफ रहे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अपने सिस्टम को ऐसा नहीं है, मतलब लैपटॉप को कई बार ऐसा होता है ना, लोग ऐसे बंद कर देते हैं फिर जब यूज़ करना होता तो खोल देते हैं, मतलब ये हाइबरनेट मोड के अंदर रहता है नॉर्मली। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसको टाइम टू टाइम रीस्टार्ट भी करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी कुकीज़ को वो अपने आप ही डिलीट कर देता है। तो ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम इसको रीस्टार्ट करते रहें। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, मान लीजिए सीसी क्लीनर हो गया, सी क्लीनर हो गया, तो वो भी आप अपने सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। वो एक क्लिक के ऊपर ही आपके लगभग जितने भी ऐसे टेंपरेरी फाइल्स, कुकीज वगैरह को ऑटोमेटिक डिलीट कर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, डेली टेक अपडेट्स देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।